उिला मिन बसमन रही कुंबे मासबर तुम फन मन बदार <coughs> अभी आपके सामने आयत नंबर चौबीस की तिलावत की गई सूरत है सूरह और रात पारा है वमा उबर्रियो तेरवा पारा तेरहवीं सूरत आयत नंबर चौबीस अब हम आज करेंगे चौबीस से अट्ठाईस तक की तिलावत और उसका तर्जुमा भी देखेंगे और उसके बाद दुआ भी पढ़ेंगे ताकि हमें दुआएं भी याद हो जाए <coughs> 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 कहेंगे सलामती हो तुम पर जो सब्र की तुमने यानी जो जहद की और सब्र किया फिर क्या ही खूब है उनके लिए अकबादार बेहतरीन अंजाम आखरत में जिन्होंने सब्र किया जिन्होंने जद्दोजहद की उनके लिए क्या खूब अंजाम है आखरत में आयत नंबर 25 वल जीना या न कुजुना हदल्लाही मिम्बाद मीसाक ही वयक्ताऊँ नमामरल्लाहुबे मामरल्लाहुबे ही अन्युसला वयुफसदुना في الأرض उमसो और वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को इसके पुख्ता कर लेने के बाद और करते हैं क़त ताल्लुक यानी काटते हैं इन रिश्तों को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने जिनको जोड़े रखने का और मचाते हैं फसाद यानि बगाड़ ज़मीन में यही है वो लोग इन पर लानत है और इन्हीं के लिए है सूद दार का मतलब बुरा अंजाम आखरत का नंबर छब्बीस अल्लाह अबसतुरस्क अल्लाह यशाओ यकदर अबसुरस्कदिर बिल हयात दुनिया व मल हयात दुनिया फिल इल्ला आखिरतो अल्लाह कुशादगी देता है रिस्क में इजाफा सलाहियत वसायल वक्त बरकत नेक लोग माल औलाद ये सब जो है रिस्क में शामिल है नेक लोग भी रिस्क में शामिल हैं माल और औलाद भी रिस्क में शामिल है सलाहियत वसाइल ये सब कुशादगी देता है अल्लाह सुबहान इसमें जिसे वो चाहे और नपातुला देता है जिसे वो चाहे जिसको चाहे कुशादगी दे जिसको चाहे नपातुला दे और वो इंसान मस्त है ज़िंदगी में दुनिया की और नहीं है ज़िंदगी दुनिया के मुकाबले में आखिरत के मकर एक फ़ायदा हक़र सो तो आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में ये ज़िंदगी दुनिया, दुनिया की बहुत ही हक़ीर है और बहुत छोटी है लेकिन लोग इसमें मस्त हैं और लोग इसमें गुम हो जाते हैं आयत नंबर सत्ताईस व यकूल नफ़र तुम रबीन याद ही मनानब और कहते हैं वो लोग कुफ्र किया जिन्होंने किफ का रवैया इख्तियार किया जिन्होंने क्यों नहीं नाजिल की गई उन पर कोई आयत या मुआवजा उनके रब की तरफ से ये सवाल करते हैं वो उन पर भी नाजिल हो जाती कहो है नबी वसल्लम यकीनन अल्लाह करता है गुमराह जिसे चाहे और देता है हिदायत उसको जो करता है रुजू अल्लाह की तरफ सो तो अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करोगे तो तआला इसकी हिदायत देगा तुमको आयत नंबर अट्ठाईस तत्माब हम बज़िक्ल अला बज्र ही तत्माइनूब और जो लोग ईमान लाते हैं वही इतमान पाते हैं दिलों में जिक्र करते हैं बंदगी करते हैं अल्लाह की याद रखो सिर्फ़ अल्लाह के जिक्र में यानि अल्लाह की बंदगी में ही इतमान और सुकून है मुत मतम ततमिन कुलूब, कुलूब कहते हैं कल्प की जमा कुलूब ततमाइन, मतम से निकला है तो इतमान मिलता है सिर्फ़ अल्लाह ही के जिक्र से फिर पढ़ते हैं बहुत ही वादा है काम अल्लाह का अल्लाजीना मनो व तत्माब हम बेजिकल्ल अला बजिक्र बे हतमाकलूब सद्ल और जैसा कि हमने कहा कि हम दुआ का सिलसिला जो है वो जोड़े रखेंगे और आज फिर वही दुआ जो हमने कल पढ़ी थी दोहरा लेते हैं ये टू डैश टू एटी सिक्स कहलाती है यानी सूर बकरा सूरत नंबर दो की टू एटी सिक्स आखिरी आयत है रब बना तो नख्ता इस रन कबलना रबना वला तो हम मिलना माला तोलो न बे वाह वना वर वरहमना अंत मोलाना फंसुरना ना लल कौमिल फिरी सो so, रबना रबना से जितने भी हैं हमारे रब ए हमारे रब ए पाक परवरदिगार नहीं पकड़ कर अगर हो जाए भूल या चूक हमसे ऐ हमारे रब ना डाल हम पर बोझ ऐसा कि डाला जैसा था तूने उन लोगों पर जो थे हमसे पहले ऐ हमारे रब ना उठवा हमसे ऐसा बोझ जिसकी ताकत ना हो हम में उठाने की और माफ़ कर दे हमको वाफ अन्ना वाफ अन्ना माफ़ कर दे हमको लना बख्शिश कर दे हमारी वर हम ना और रहम फरमा हम पर अंत मौलाना फ़नसुन ललकॉमिल काफीन तू ही हमारा मौला है तू ही हमारा रब है हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले पर सद्ल